एक और अहम खबर आ रही है, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात की तारीख का मामला इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है, मोहलत मांगी गई है। पेशावर हाईकोर्ट की गवर्नर और इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करने की आखिरी मोहलत दे दी गई है। आपको ये बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात की तारीख का मामला है, इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से मोहलत मांगी है। 4 मई को केस मुलतवी नहीं किया जाएगा, फैसला कर देंगे। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान की जानब से ये रिमार्क सामने आए हैं, जबकि एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाईकोर्ट में पेश हुए हैं। उनकी जानब से मौकिफ इख्तियार किया गया है कि सूबाई हुकूमत की तरफ से जवाब तैयार है, तारीख गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ने देनी है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इंतखाबात की तारीख का मामला, इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली है। अदालत की गवर्नर और इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करने की आखिरी मोहलत, 4 मई को केस मुलतवी नहीं किया जाएगा, फैसला कर दिया जाएगा। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान की जानिब से बता दिया गया है, रिमार्क्स दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाईकोर्ट में पेश हुए हैं, जिसमें उनकी जानिब से मौकिफ इख्तियार किया गया है कि सूबाई हुकूमत की तरफ से जवाब तैयार है, तारीख गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ने देनी है।